मेम साहब मैं अपनी रिहाई करूं? साले चौकीदारी तो ठीक है, ये शेरो शायरी क्यों कर रहा है? आनंद बहुत मारूंगी। हाँ कभी लड़की के पीछे भागता रहा लेकिन लड़की उसके हाथ में नहीं आई। एयरपोर्ट हाईवे स्क्वाड और सारे स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो। वो तो मम्मी गई थी ना सोमू अंकल के साथ। नेहा आपकी है और आपकी ही रहेगी। क्या हुआ पापा, फिर चाबी भूल गए ना? क्या हुआ? गाड़ी नहीं, विसल। यार तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये बताइए आप शाम को जा रहे हैं? जाना ही पड़ेगा, रोजी रोटी का सवाल है। पहले कहाँ जा रहे हैं? पहले बंबई एक दिन के लिए। क्यों? वहाँ मैं 5-स्टार होटल बना रहा हूँ। ठीक है, फिर कहाँ जाएंगे? फिर एक दिन के लिए भोपाल। भोपाल क्यों? वहाँ आर्किटेक्ट्स की मीटिंग है, मैं लेक्चर दे रहा हूँ। ओके, फिर वहाँ से 2 दिन लखनऊ, वहाँ टीवी स्टेशन का साइट फाइनल करना है। 1 and 1, 2, 2 and 2, 4, 4 दिन। आपको तो प्लेन से डर लगता है, तो ट्रेन में कितना टाइम लगेगा? हाँ वो भी 3 दिन जोड़ लो। 7 7। आपको मालूम है हमारा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन कभी है? ओह माय गॉड, वो तो 6 दिन बाद है। डोंट वरी बेटा, मैं लखनऊ का काम एक ही दिन में पटा दूंगा। प्रॉमिस पापा? पक्का प्रॉमिस। अगर आप नहीं आए तो मैं डांस नहीं करूंगी, और मैं डांस नहीं करूंगी तो प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। अजय आप देखिए तो सही, पहली रो की पहली सीट पे जो सबसे पहले ताली मारेगा वो मैं ही हूँगा। आई लव यू पापा। लव यू टू। आई लव यू टू, 3, 4। आ जाना पापा। आहा, ये देखिए, दिस इज एक्सीलेंट। ये देखिए फर्स्ट। जनाब ये है आपके कवर पेज का लेआउट, है ना क्लास? नहीं 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 सर, इस पर फोटो ये वाला नहीं होगा। सर आंखों में ड्रीमी लुक होनी चाहिए। राइट, अभी 10,000 का प्रिंट ऑर्डर है और पॉपुलर होते ही हम सेकंड एडिशन निकाल देंगे। जनाब टाइटल की लेटरिंग पर गौर फरमाइए। दिखाइए सर, है ना क्लास? अच्छा, कविता संग्रह के लिए दिल क्या करे से ज्यादा अच्छा टाइटल तो हो ही नहीं सकता सर। टाइटल तो अच्छा है लेकिन कवर से मेरा नाम निकाल दीजिए। अच्छा, यानी के गुमनाम कवि की कविताएं? करेक्ट, है ना क्लास? सर मैंने किताब का डिजाइन बनाया है। एक मिनट, हेलो कविता। सोमू, अरे कहाँ हो तुम? उफ़ो, मैं अकेली यहाँ सुपरमार्केट में परेशान हो रही हूँ। आनंद टूर पर गए हुए और राम दुलारे का आज ऑफ है, अगर मैं यहाँ लेट हो गई तो नेहा को स्कूल से कौन लाएगा? कविता एक मिनट, तुम्हारे 1 मिनट में तो 1 पैकेट हल्दी भी डालना। सुनो, अरे ये नहीं वो वाली, और मिर्ची भी लाल वाली। सर कवर पर तस्वीर कौन सी डालूं? सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, लाल मिर्ची। लाल मिर्च कविता संग्रह, वाह, है ना क्लास? शट अप सोमू, तू? सॉरी आई हैव टू गो। लेकिन सर एक्सक्यूज मी, वो डिजाइन अजीब आदमी है, एक तो करोड़पति ऊपर से कवि, यानी के करेला और नीम चढ़ा, है ना क्लास? तुम्हारे होंठों से चूमता हूं मैं उस किरण को जो खूब अंधेरे से डरती डरती मेरी सलाखों को छू गई। तुम्हारे हाथों से छू रहा हूं मैं उस हवा को जो मेरे जेल खाने की कोठरी के पास से गुजर गई। क्या बात है, जेल की हवा? क्या बात है, क्या बात है, जेल की हवा? वैसे आप जेल में कौन से घोटाले के लिए गए थे? राम दुलारे। नो प्रॉब्लम, आपके कॉफी में कितना घोटाला डालूं अपना और कितनी चीनी डालूं? तुमको मालूम नहीं है ना जैसे? मालूम है ना, लेकिन मैंने सोचा इतनी दुख भरी कविता बोली है तो मुंह कड़वा हुआ होगा। राम दुलारे। नो प्रॉब्लम, 3.5 चम्मच डालता हूँ। हाँ सुनो, सुनाओ। तुम्हारे कानों में मेरी धड़कन की आवाज सुनाई दे रही है जैसे कोई जंजीर टूटती है। ये मुझको बंदी बनाने वाले, ये तुमको मुझसे जुदा करने वाले, ये भूल चुके हैं कि मैं तुम में समा चुका हूँ, मैं बंदी खाने से दूर जा चुका हूँ। मेरी तो रिहाई हो चुकी है, मेरी तो रिहाई हो चुकी है, मेरी तो रिहाई हो चुकी है। मेम साहब मैं अपनी रिहाई करूं? हाँ कर लो। थैंक यू, बिग प्रॉब्लम। तुम जैसा जोकर इतनी अच्छी कविता कैसे कर सकता है?
आज तक समझ में नहीं आया। मेरी भी समझ में नहीं आया। हेलो आनंद। हाउ आर यू जान? इतनी देर से फोन किया, कब से वेट कर रही हूँ, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। क्या कर रही हो? सोमू की नई कविता सुन रही थी। अच्छा, जरा फोन देना उसे। हाँ देती हूँ, एक मिनट सोमू। हाय आनंद। क्यों बेचाले, तू रात के 12 बजे मेरे घर में क्या कर रहा है? चौकीदारी। ये तेरी बीवी है ना, ये खूबसूरत भी है और जवान भी, अगर कोई उठा के ले जाए तो इल्जाम तो मुझ पे ही आएगा ना। इसीलिए चौकीदारी कर रहे हो? साले चौकीदारी तो ठीक है, ये शेरो शायरी क्यों कर रहा है? अरे यार, दूसरी बुक निकल रही है ना, उसमें कुछ नया लिखा है। अच्छा, मुझे भी सुना। सॉरी मिस्टर, कविताएं फोन पे मैं सिर्फ लड़कियों को सुनाता हूँ। अच्छा, मेरी बिटिया रानी क्या कर रही है? नेहा सो रही है। पापा, मैं अभी तक सोई नहीं। अरे बदमाश। पापा, सोमू अंकल की पोएट्री सुनकर नींद कैसे आएगी? पापा आप कहाँ हो? बेटा भोपाल। पापा आप कब आओगे? मैं कल ही निकल रहा हूँ यार, एक दिन लखनऊ फिर आपके पास। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। चलो अब सो जाओ। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। लखनऊ के टीवी स्टेशन के लिए वाकई इससे बढ़िया साइट नहीं होगा। आपकी क्या ओपिनियन है मिस्टर आनंद? मगर सोचिए, इस ऐतिहासिक किले के सामने 300 फीट ऊंचा लोहे का टावर इसकी ब्यूटी का सत्यानाश नहीं कर देगा। लेकिन आनंद साहब, ये साइट मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में है। अच्छा, खुद चुन के दिया है। फिर तो इसे बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, मैं अप्रूवल नहीं देता। क्या? उस पहाड़ी के पीछे एक और साइट है, शायद टावर छिप जाए। सॉरी, मेरे ट्रेन का वक्त हो गया। प्लीज आनंद जी, मंत्री जी का मामला है, हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी अगर साइट पक्का नहीं हुआ तो। हम उस साइट से डायरेक्ट स्टेशन चल पड़ेंगे। अच्छा चलिए। हेलो। हाय जान। हाय, ठीक से पहुंच गए थे प्लेन से? तबीयत तो खराब नहीं हुई? होटल कैसा है? सब ठीक है। ये बताओ, फोन उठाने में इतना वक्त क्यों लगाया? नहा रही थी ना। कपड़े पहन लिए? नहीं। कैसी लग रही हो? आनंद, बहुत मारूंगी। हाँ। Missing you, sweetheart. I miss you too. अच्छा सुनो, मुझे यहाँ 3 दिन और लग जाएंगे। क्यों? तुम्हारा तो 1 दिन का काम था ना? डिजाइन में कुछ चेंज आ गया, मैंने कैलाश में यहीं बुलवा लिया। अच्छा ठीक है, but listen, don't overwork yourself. I won't. नेहा कहाँ? नेहा बाहर खेल रही है, बुलाओ। नेहा, नेहा, एक मिनट हाँ, बुलाती हूँ। नेहा, नेहा, bye bye. नेहा, क्या है मम्मी? बेटा, पापा का फोन है। हाय पापा। हाय बेटा। पापा, वो जो मैंने बोला था ना, बड़ा वाला बनी रैबिट लाने को, वो मत लाना। आंटी अभी अभी लेकर गई है। अच्छा, कौन सी आंटी? वो अच्छी वाली आंटी आई थी और उन्होंने बोला मैं और भी टॉयस लाऊंगी। पापा अब जल्दी आओ ना। ओके पापा, मैं मोनू को साइकिलिंग सिखाने जा रही हूँ। बाय पापा। कौन आया था? मैंने देखा नहीं। जब मैं निकली तो गाड़ी निकल रही थी, मेरे ख्याल से मिसेस मल्होत्रा होंगी। जब से उनका बच्चा गुजरा है, सबको खिलौने बांटती फिरती है। नेहा को समझाओ, इस तरह किसी से चीजें लेना अच्छी बात नहीं है। यस सर। और कुछ? बोलो। आई लव यू। आई लव यू सर। आई लव यू टू। बाय बाय। क्यों डरती है? देख वहां हाथ रख और चला धीरे धीरे। सुनो बेटा, ये आपको मल्होत्रा आंटी ने दिया? नहीं तो? तो फिर किसने दिया? मैंने तो उनका नाम ही नहीं पूछा। मामा की कोई फ्रेंड थी? मुझे क्या मालूम, आपकी तो इतनी सारी फ्रेंड्स होती हैं। पर बेटा, आपने उनको पहले कभी देखा है? ओफो, आप कितनी बात करती हैं। मुझे मोनू को साइकिल सिखाना है। लगा
बना दी। मैं जुनमुन को डॉल दिखा रही थी, कितनी अच्छी है ना डॉल, ये बात भी करती है। अच्छा, किसकी है? मेरी है बाबा, आंटी ने दी है। कौन सी आंटी? वो आंटी है ना जिन्होंने मुझे बिग बनी दिया था। वो आंटी यहाँ भी आती है? हाँ, वो तो रोज आती है। मिसेस पंचाल, एक मिनट बेटा। हेलो मिसेस किशोर, कैसी हैं आप? मिसेस पंचाल, नेहा बता रही थी यहाँ कोई औरत उससे मिलने आ रही है। यो मैं नंदिता राय, व्हाट अ नाइस लेडी। आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार है ना? नंदिता राय, मैं तो किसी नंदिता राय को जानती भी नहीं। मगर नेहा तो उनसे काफी हिली मिली लगती है। नेहा तो बच्ची है मिसेस पंचाल, लेकिन आप कैसे किसी भी औरत को उससे मिलने दे सकती हैं? मम्मी घर चलो ना, मुझे चेंज करके डांस क्लास भी जाना है। एक मिनट चलो प्लीज मिसेस पंचाल, आप मेरी परमिशन के बगैर नेहा को किसी से ना मिलने दें। श्योर, मैं ख्याल रखूंगी। थैंक यू। देखो बेटे, अगर कोई अनजान आंटी आपको खिलौना दे तो आपको नहीं लेना चाहिए। मगर मैं तो जानती हूँ उन्हें। जानती हो? कैसी दिखती हैं? बहुत अच्छी। आती कैसे? गाड़ी में, बड़ी वाली वाइट कार है उनकी। सबके लिए खिलौने लाती हैं या सिर्फ आपके लिए लाती हैं? वो मेरी आंटी है ना मम्मी, तो सबके लिए क्यों लाएंगी? क्या बातें करती हैं? सब कुछ। सब कुछ? हाँ, मेरे फ्रेंड्स कौन है, पापा क्या करते हैं, होमवर्क कौन कराता है, राम दुलारे तंग तो नहीं करता है, लॉली चॉकलेट खाओगी? स्टॉप इट नेहा। हेलो बेबू। नेहा स्टॉप इट। अरे थोड़ी थोड़ी है। सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। प्लीज बेटा चुप हो जाओ। अरे यार, तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड की फर्स्ट लड़की हो और रोती हो, छी, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अच्छा तुम मम्मी को फोन दो, मैं डांटता हूँ उसे। जोर से डांटना पापा। हाँ, और बोलना कि मुझे डांस क्लास ले जाए। ऑफ कोर्स मम्मा तुमको डांस क्लास ले जाएंगे बेटा। मम्मा सो सॉरी, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। हेलो। क्या हुआ जान, बहुत अपसेट है वो। आई नो। आनंद, तुम किसी नंदिता राय को जानते हो? अगर खूबसूरत और जवान है तो जरूर जानता हूँगा। Come on आनंद, I'm serious। जानते हो क्या? Never heard of her। कौन है ये नंदिता राय? पता नहीं कौन है। नेहा से मिलती रहती है, महंगे महंगे खिलौने देती रहती है। What? प्रिंसिपल ने सोचा वो मेरी फ्रेंड है, उसने अलाउ कर दिया। याद है तुम कलकत्ता में थे और एक औरत यहाँ आकर बेबी को बिग बनी देकर गई थी? मैंने सोचा मिसेस मल्होत्रा होंगी, पर आनंद वो तो यही थी। कौन हो सकती है और मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़ी है? जान, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। हो सकता है हमारी कोई पुरानी दोस्त हो और हमें इस तरह सरप्राइज दे रही हो। आजकल में ही सामने आ जाएगी, तुम वाली। कब लौट रहे हो? परसों। साइट पक्का करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आई मिस यू। मिस यू टू। क्या हुआ? दिल क्या करे, मार्केट में आ गई। कंग्रेचुलेशंस। सेल शुरू करवानी है तो फिर करो ना। मुहूर्त तो तुम्हारे हाथों ही होगा ना, जब तक तुम पहली बुक नहीं लोगी तब तक सेल कैसे शुरू हो सकेगी? अच्छा ठीक है, मैं कल आती हूँ। पॉपुलर बुक हाउस पास ही में है, 15 मिनट में जाके वापस आ जाएंगे। अच्छा, और नेहा? क्लास खत्म होने से पहले वापस आ जाएंगे ना। अच्छा ठीक है, जरा वॉचमैन को बोल दो नेहा का ख्याल रखेगा। सर आप बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो सौंदर्य। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तुम्हारे लिए कविता। ओह ये लो। थैंक यू।
मुझे आज तक पता नहीं चला लड़कियां कवियों के पीछे क्यों भागती रहती हैं। क्या कह रही हैं? यहाँ तो एक्सपीरियंस ही कुछ उल्टा ही रहा है। कभी लड़की के पीछे भागता रहा लेकिन लड़की उसके हाथ में नहीं आई। पागल हो तुम, अच्छी सी लड़की देखकर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? आप मुझसे शादी करेंगी? जी आपका बहुत उपकार होगा मुझ पे, प्लीज शादी कर लीजिए मुझसे। आप पागल है क्या? जी नहीं, मैं कवि हूँ, देखिए मेरी बुक छपी है। गेट लॉस्ट सोमू, इम्पॉसिबल, बैठो जल्दी नहीं तो नेहा की क्लास छूट जाएगी। देख लिया मैं सर। एक अकेला एक शहर में, मैंने कहा था ना लेट हो जाएंगे। परेशान हो गई होगी नेहा। बच्चे कहाँ है? वो तो चला गया शाप। और नेहा? वो भी चला गया मैम शाप, उसका चाची लेने आया था उसको। What? You idiot! मैंने तुमसे कहा था कि तुम बच्ची को किसी के साथ मत जाने देना। नेहा! Excuse me! हाँ? आपने एक छोटी सी बच्ची को यहाँ स्कूल से निकलते हुए देखा? नहीं, हमने तो नहीं देखा। एक बच्ची है। चलो। नेहा! 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 Hello, होटल डायना क्वीन। प्लीज स्ट्रेट मिस्टर आनंद किशोर, इट्स वेरी अर्जेंट। अरे 405 में ठहरे हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में तो बाहर बुलाइए ना जल्दी प्लीज। ए कविता, पागल हो गई हो क्या? रिलैक्स, आनंद से बात करो, आनंद का फोन है, चलो। रिलैक्स, प्लीज होल्ड योरसेल्फ। सुनो कविता, हेलो कविता प्लीज। मैंने नेहा को खो दिया आनंद, जान सब मेरी गलती है, वही आदत लगी उसको। मैं अभी डीसीपी कुमार को फोन करता हूँ। हाँ बाबा, मैं अभी फोन करता हूँ, डोंट पैनिक। एक्सक्यूज मी, कुड यू लुक अप द दिल्ली डायरेक्टरी प्लीज, आई वांट टू टॉक टू डीसीपी कृष्ण कुमार। Excuse me. Yes, sir. Delhi की next flight कब है? कल सुबह 7 बजे sir. Please एक ticket book करा दो. Yes, sir. Airport highway squad और सारे stations को inform कर दो. जनाब. एक 5 साल की लड़की नेहा. जी. और उसके साथ एक महिला. जी जनाब. Give the top priority. Is that understood? कहाँ लेके जाएंगी वो नेहा को? कविता वो कहीं नहीं ले जा सकती. Relax. सुबह अगर नेहा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊँगी. Mrs. Kishore, please, please, please control yourself. Look, we're doing our level best. हमें नेहा की तस्वीर चाहिए होगी टेलीविजन पे देने के लिए। हाँ जी। और तस्वीर की कॉपी हर स्टेशन पे होनी चाहिए। हाँ जी, मैं लेकर आती हूँ। मिस्टर सोमदत्त, आप मेरे साथ चलिए, नेहा के प्रिंसिपल से मिलना है। अच्छा, सुबह में चलिए। वही उस औरत का हुलिया बताएंगी। लेकिन वो तो हवा के घोड़े पे सवार थी, कहने लगी फिर आऊंगी। हमने कहा एक बार इस राम दुलारी सिन्हा के हाथ की चाय तो पीते जाओ, जिंदगी भर याद रखेंगी। कहने लगी हम चाय नहीं पीते, हमने भी कह दिया नो प्रॉब्लम। मैं देखता हूँ। तुम ठीक हो ना बेटा? हेलो, राम दुलारी सिन्हा स्पीकिंग। साहब एक मिनट ना, मैम साहब को बुलाता हूँ, साहब का फोन है। हेलो आनंद। हाँ नेहा आ गई। थैंक गॉड, कहाँ मिली? घर पर ही थी, वही लेकर आई थी नंदिता राय। वो क्यों कर रही है सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छी बात है, नेहा ठीक तो है? हाँ ठीक है। जरा फोन देना उसे, पापा से बात करो। हेलो पापा, कैसा मेरा बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो बेटा,
जिन लोगों को हम नहीं जानते, ना उनसे कोई चीज लेते हैं, ना कभी उनके पास जाते हैं, ओके? मैं तो कहीं नहीं गई थी, वो तो मम्मी गई थी ना सोमू अंकल के साथ, फिर क्लास खत्म हो गई और वो आंटी मुझे ले आई। बेटा तो आपको मम्मी का वेट करना चाहिए था ना? वेट किया ना, सब बच्चे जाने के बाद भी वेट किया। अच्छा सुनो, अब कभी नंदिता आंटी आपको बुलाए तो आप उनके पास नहीं जाएंगे, ओके? और वो मेरे पास आए तो? तो अच्छा, मम्मी को फोन दो। ओके पापा, I love you. Love you too, बेटा। I love you two, three, four. Bye. Bye. Hello. नेहा तो बिल्कुल ठीक है? हाँ, she's fine. तुम कहो तो एक दिन रुक कर आ जाओ, यहाँ सब काम खत्म हो जाएगा। ओके। Hey, don't sound so serious. अनंत क्या चाहती है और ये हमारी दुनिया में क्यों आग लगा रही है? कैसी बातें करती हो? तुम जानती हो वो कुछ नहीं कर सकती, पुलिस उसके पीछे लगी और वो जल्दी सामने आ जाएगी। अरे I can't live without you. तुम दोनों ही सब कुछ हो मेरे लिए। और तुम भी सब कुछ हो मेरे लिए। You know how much I love you. और कोई इस प्यार को तोड़ नहीं सकता। Bye. Bye. कविता स्टॉप, कविता स्टॉप, उस गाड़ी में ब्रेक खराब है। कविता, कविता, कविता सुनो, कविता, ओह माय गॉड, कविता, कविता सुनो, कविता सॉरी मिस्टर आनंद किशोर, हम आपके बच्चे को बचा नहीं सके। समझ में नहीं आता कि उसने नेहा को किडनैप करने की कोशिश की तो फिर घर पर क्यों ले आई। एनीवे, घबराने की कोई बात नहीं है, स्कूल के प्रिंसिपल और राम दुलारे ने उस औरत का हुलिया बता दिया है और हमने वो इन्फॉर्मेशन सारे थानों में दे दी है। जरूरत पड़ी तो बच्ची के साथ एक हवलदार भी लगा देंगे। थैंक यू। मम्मी प्लीज मुझे स्कूल जाने दो ना, मैं बहुत बोर हो रही हूं। बेटा आज आप यहीं खेल लो ना। मगर मैं किसके साथ खेलूं, मेरे सारे फ्रेंड्स स्कूल चले गए हैं। जिद नहीं करते बेटा, जाने दीजिए उसे, आप घबराती क्यों हैं? नहीं वो बस एक बार आनंद आ जाते ना। जाओ बेटा, आप राम दुलारी के साथ खेलो। गो, गुड गाय। लगता है आपको हमारी पुलिस फोर्स पर
बिल्कुल भरोसा नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस आनंद नहीं है ना, मैं तो मैं समझता हूँ। एनीवे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए जी, नेहा को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू दैट। थैंक यू, बाय बाय। बेबी नो प्रॉब्लम, मिल्क इज रेडी बेबी। वो तो तुम्हारे पास ही गई है, देखो अपने कमरे में होगी। मेरे पास वो तो आ नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ रुको, कमिश्नर साहब को रुको, रुको कमिश्नर साहब, रुको निहा, कमिश्नर साहब रुको, कमिश्नर साहब प्लीज प्रॉब्लम, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब प्रॉब्लम, कमिश्नर साहब रुको प्रॉब्लम। नेहा मेरी बेटी है, तुम्हारी बेटी जी, जिस बच्ची की मां है आप, उसे जन्म मैंने दिया है। और सोच लो कविता, मुझे संतान की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे सहारे जी लूंगा। जानती हूँ तुम्हारे इस प्यार की शक्ति ने ही तो मदद की है मुझे ये निर्णय लेने में। कब तक चलने लगेगी? आनंद अभी तो बस 7 दिन की है ये। इनको थोड़ी ज्यादा जल्दी है, ऐसा कीजिए आप इसको गाड़ी की चाबी दे दीजिए, ये हम सबको ड्राइव करके घर ले जाएगी। मम्मी, मम्मी, मम्मी। देखिए मैं नेहा को वापस ले जाने नहीं आई, नेहा आपकी है और आपकी ही रहेगी। मैं तो बस यूं ही एक बार देखने आई थी उसे। I'm sorry, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई। मगर मैं कैसे मान लूं कि तुम ही नेहा की माँ हो? मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, बस इन आंखों में देख लीजिए। अगर ये झूठ बोल रही हैं, तो उन पर विश्वास मत करना। मगर तुम इस तरह छुप छुप कर नेहा से क्यों मिलती थी, सामने क्यों नहीं आई? डर लगता था कि अगर आप लोगों ने मुझे गलत समझ लिया तो, सोचा था उसे एक बार देखकर वापस लौट जाऊंगी। लेकिन पता नहीं किस चीज ने मेरे पैर थाम लिए, शायद ममता, शायद स्वार्थ,
शायद अपना अकेलापन। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जिस तरह अचानक आई थी उसी तरह अचानक चली भी जाऊंगी। नेहा जब बड़ी होगी तो उसे याद भी नहीं रहेगा कि मुझ जैसे उसे कोई मिली भी थी। और आप भी उसे कुछ मत बताना। जानती हूं मैंने बहुत परेशान किया है। सच मानिए मैं आपके घर तक कभी नहीं आती, लेकिन मैं कल जा रही थी और बस एक आखिरी बार नेहा को देख लेना चाहती थी। I'm sorry. अनजाने में मैं क्या क्या कह गई ना आपको। I'm really sorry. जो कुछ भी कहा बहुत अच्छा लगा। नेहा बहुत किस्मत वाली है कि आप जैसी माँ मिली है उसे। पर वो मुझसे ज्यादा तो अपने पापा से प्यार करती है। लगता है वो आपसे भी ज्यादा अच्छी है। मेरा भी यही ख्याल है। हेलो बेटा। मम्मी आंटी का घर ले चलो ना, मैं अपने टॉयज बताऊंगी। आप ही बोलो ना। नेहा फिर कभी। नहीं अभी चलो ना, इधर ही तो हमारा घर है। चलो ना, राम दुलारे भी शिकायत कर रहा था उस दिन तुम चाय पिए बगैर ही निकल गई। ओके ये ये कमिश्नर साहब रुको, प्रॉब्लम। अरे देखिए, अरे रामू, बिग प्रॉब्लम, बेबी गायब। कविता, कविता। हाँ सुमो। कविता, नेहा कहाँ है? मिल गई। नेहा कहाँ है? सब ठीक हो गया, यहीं कॉलोनी के पार्क में थी। लोग कर लो बात, ढिंडोरा शहर में और बच्ची बगल में। कमिश्नर के पीछे सारा दूध गिर गया, अभी लाते फ्रेश। साथ में कुछ चाय बिस्किट भी लेना। हाँ अभी लाया मालकिन। क्या, कैसे हुआ सब? सुनोगे तो विश्वास नहीं होगा। ये है ना, इसका नाम किट्टू है, बहुत गंदी है, इसे अच्छे कपड़े पहनाओ तो गंदे कर देती है। अच्छा, और ये पापा लाए हैं, इसका नाम है बारबरा। अरे इसने कहा तुमने मान लिया? कविता तुम नहीं जानती इन गैंग वालों को। मेरी नजर कभी धोखा नहीं देती। देखो ये बहुत अच्छी है, बिल्कुल आपके पापा की तरह। ये मेरे पापा थोड़ी है, मेरे पापा तो बैंगलोर में बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। तो फिर ये कौन है? सोमू अंकल। सोमू अंकल, चलो चलो दूध पियो। पियो ना, मैं तुम्हें गधे की सवारी करवाऊंगा। मुझे नहीं पीना है, मुझे अच्छा नहीं लगता दूध। क्या आपको चॉकलेट अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। तो आज हमारी बेटी दूध नहीं चॉकलेट पिएगी। ये आपकी कोई बेटी नहीं है? है ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। कहाँ है? यही मेरे गोद में बैठी हुई है। मैं तो नेहा हूँ। मेरी बेटी का भी नाम नेहा है। सच? आप रो क्यों रहे हो? पकड़ी गई। मेरी भी मम्मी कभी कभी मुझे प्यार करती है, वो भी रोने लगती है। तुम हो ही ऐसी। मुझे भी आप बहुत अच्छी लगती है। मेम साहब चाय कॉफी लगा दिए, और कुछ चाहिए तो बोलो। थैंक यू रामदुलारे। मेंशन नॉट। अब हम कल गुड इवनिंग में मिलेंगे, कल हमारा ऑफ है ना। ओके इट्स ऑल राइट। मेंशन नॉट। नंदिता तुम क्या लोगी, चाय या कॉफी? कॉफी प्लीज, ब्लैक। ओ आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सोम से मिलाना तो भूल ही गई। सोमू दिस इज नंदिता। मैं इन्हें ऑलरेडी जानती हूँ। अच्छा कैसे? आप मुझे भी जानती हैं? जी हाँ, नेहा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, सबके बारे में। मैंने एक बात नहीं बताई। क्या बेटा? सोमू अंकल की पोएट्री मुझे समझ में आती ही नहीं। नेहा ये लो नंदिता, कहाँ ठहरी हो? रैडिसन, थैंक यू। बिस्किट? नो थैंक यू। मुझे ऑफर कीजिए ना। आप लीजिए ना। कविता एक रिक्वेस्ट है। बोलो। मेरी ट्रेन कल सुबह की है, अगर बहुत दिक्कत ना हो तो आज क्या मैं नेहा के साथ होटल तो जाने नहीं दूंगी, तुम यहीं रुक सकती हो। सवेरे आनंद भी आ रहे हैं, उनसे भी मिलकर चली जाना। थैंक यू। यस, मजा आ गया, मैं आज आपके साथ ही सोऊंगी और आपको स्टोरी भी सुनानी पड़ेगी। ओके। तुम यहीं से फोन क्यों नहीं कर देती?
सवेरे आते हुए सोमू तुम्हारा लगेज चेकआउट कर लाएगा, यहीं से स्टेशन चली जाना। श्योर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आंटी चलो ना कंप्यूटर गेम खेलने। हाँ चलो। कितनी अजीब बात है कविता, नेहा नंदिता को जानती तक नहीं, लेकिन कितनी घुल मिल गई है। वो उसकी माँ है सुमू। यार तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया। अगर वो नेहा की माँ है भी तब भी उसे नहीं पता चल सकता कि उसकी बेटी को किसने गोद लिया है। अडॉप्शन के कायदे इस मामले में बहुत सख्त हैं। भाई मुझे कुछ पता नहीं, तुम्हें जो कुछ पूछना है उसी से पूछ लेना। मैं भी आता हूँ। क्यों, तू कहाँ जा रहा है? रैडिसन नंदिता जी का सामान लेने के लिए। वो यहाँ है। जी हाँ जाइए, आप ही का इंतजार चल रहा है। कविता, कविता। हाय। ये सोमू क्या कह रहा है? तुमने उस औरत को घर में क्यों रख लिया? अरे आनंद तुम एक बार उससे मिलते लो। क्यों मिल लूं? और तुम्हें कैसे पता उसका इरादा क्या है? मुझे तो बहरूपिया लगती है। कहाँ है वो? और नेहा कहाँ है? नेहा पापा। हाय बेटा। हाथ 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 धो लो पहले। माँ। ओ गंदी। अभी बाबा का सूट गंदा हो जाता। चलो मुंह भी धो, हाथ भी धो, तेल लगा। चलो बस जल्दी भाग के। मिस नंदिता राय। Thank you.
नहीं लगाने दे रही। बैठो, कटवा दूं उन्हें? नहीं कटवाने दूंगी। आंटी ने बोला मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। हाँ, लीजिए, हो गया आपका चेकआउट। अब निकालिए मेरे कुली के 20 रुपए 75 पैसे, निकालिए कैश। थैंक यू। इतनी अच्छी स्माइल है आपकी। चलिए 20 रुपए छोड़िए, 75 पैसे निकालिए। चुप करो सोमू, मौका मिला नहीं कि आवारा गर्दी शुरू। जरा नेहा को स्कूल छोड़ देना। आप भी चलो ना। आंटी को स्टेशन जाना है बेटा, आपको तैयार भी होना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए।